सबको जय यीशु की। हर साल संपूर्ण कलीसिया 23 सितंबर को संत पादरी पियो का पर्व मनाती है। उनका जन्म 25 मई 1887 इटली में हुआ था। अपनी युवावस्था में उन्होंने कैपिचन संस्था में दाखिला लिया और 22 जनवरी 1903 में उनका नाम पियो रखा गया। 10 अगस्त 1910 में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ और उन्होंने प्रभु की सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। प्रभु ने उन्हें एक अनोखा वरदान दिया कि वे प्रभु के घावों को अपने ऊपर ले सकते हैं। 20 सितंबर 1918 में उनके हाथों में वही घाव हुए जो प्रभु यीशु के हाथों में थे। उन घावों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो जैसे उन्होंने प्रभु के घावों को अपने ऊपर ले लिया हो। उनके दोनों हाथों से खून भी बहता था और लोग उन्हें देखने दूर दूर से आया करते थे और खास उनके मिसा बलिदान में भाग लिया करते थे। ऐसा माना जाता है कि उन्हें काफी रहस्यमय अनुभव प्राप्त थे, जैसे एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पर दिखाई देना, स्वर्गदूतों के साथ बातें करना और भविष्यवाणी का वरदान। उनकी मृत्यु 23 सितंबर 1968 में हुई। 16 जून 2002 में संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें संत घोषित किया। आइए आज हम भी संत पादरी पियो के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करें कि वे हमारे निवेदनों को प्रभु तक पहुंचाएं।